please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आने के बाद भारत उसके साथ मुलाकात को तैयार हो गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर फिर से शांति वार्ता शुरू करने की अपील की थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत का रुख साफ किया। मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर विल टेक प्लेस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हालांकि विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के लिए भारत की नीतियों में किसी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई चिट्ठी में इमरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अपने सभी बड़े मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान खोजें, जिनमें जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। सियाचिन और सरक्रिक भी ऐसे ही मुद्दे हैं जिनका हल निकलना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इसी चिट्ठी में इमरान ने न्यूयॉर्क में होने वाली यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक के अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग का प्रस्ताव रखा। लिहाजा भारत ने भी इस पर अपनी राय साफ कर दी, लेकिन पाकिस्तान को लेकर केंद्र सरकार के रुख पर सियासत शुरू हो गई और कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी पहले से कहते आ रही है कि इस सरकार की विदेश नीति क्या है, नियत और नीति साफ करने की जरूरत है। बोली और गोली दोनों नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद इमरान खान को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में इमरान खान ने दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की पेशकश रख दी। मौसम विभाग ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों में भारी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान का केंद्र बंगाल की खाड़ी में बताया जा रहा है और ये धीरे धीरे ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। अगले कुछ घंटों में मौसम विभाग की चेतावनी का असर देश के 6 राज्यों में देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जम्मू कश्मीर के डीजीपी को राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक यूपीएससी जम्मू कश्मीर सरकार के प्रस्ताव पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक दिलबाग सिंह कार्यवाहक डीजीपी बने रहेंगे। बिहार के पटना में पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक महिला को रिहा करवा लिया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक रिहायशी इलाके में घुसे एक तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर केस के दौरान मिले अवैध हथियारों के मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा से पूछताछ करने का निर्देश देते हुए टिप्पणी की कि आरोपी ब्रिजेश ठाकुर और मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का इतना आतंक है कि कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। मणिपुर के इम्फाल में गाड़ी चोरी के आरोप में लोगों की पिटाई से एक लड़के की मौत के मामले में परिवार ने साजिश की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के अमृतसर में एक महिला ने गाड़ी में मौजूद कुछ लोगों पर उसे अगवा करने की कोशिश और विरोध करने पर पिटाई का आरोप लगाया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और मेजबान श्रीलंका के बीच शुक्रवार को कोलंबो में दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। झारखंड के क्रिकेटर शाहबाज नदीम ने चेन्नई में विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ 10 रन देकर 8 विकेट लेते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीब 20 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर लांस क्लूजर ने उम्मीद जताई कि हार्दिक पांड्या 2 साल में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन तब तक टीम मैनेजमेंट को उन्हें मौका देते हुए धैर्य रखना होगा। यूपी के जौनपुर में कलेक्टर परिसर के अंदर एक गांव के कई लोग धरने पर बैठ गए। ये लोग उनके गांव को आदर्श गांव को घोषित करने के कई साल बाद भी विकास नहीं होने से खफा थे। दावा है कि करीब 5 साल पहले बीजेपी सांसद केपी सिंह ने उनके गांव बुढ़ूपुर को गोद लिया था, उसे आदर्श गांव बनाने का ऐलान किया था, लेकिन कई सालों बाद भी वहां विकास नहीं होने पर गांव के लोगों ने सांसद केपी सिंह पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। यहां एक स्वर्ग जैसा ये बुढ़ूपुर को बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हो पाया है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, वहाँ सब कुछ नहीं है। माने वहाँ जांच कराइए कि माने वहाँ है क्या नहीं है। सिंगापुर समझौते से उत्तर कोरिया एक बार फिर पलटता नजर आ रहा है। वहां के शासक किम जोंग उन ने ऐसी चाल चली जिसने अमेरिका को बुरी तरह उलझा दिया। हालांकि इसी साल सिंगापुर में हुई बैठक के बाद उत्तर कोरिया के रुख से लग रहा था कि वो पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन किम जोंग उन की एक शर्त ने ट्रंप सरकार को हिला दिया। किम जोंग उन ने अपने ताजा बयान में साफ किया कि उत्तर कोरिया अपने योंगबियान परमाणु ठिकाने को पूरी तरह खत्म करने के लिए कदम उठाने को तैयार है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब अमेरिका भी इसके बदले में अपने वादे पूरे करे, जो जून में सिंगापुर बैठक के दौरान किए गए थे। किम जोंग उन के इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से राहत पाने का नया पैंतरा माना जा रहा है।
किम जोंग उन को ये उम्मीद है कि अमेरिका इस वक्त भले ही सिंगापुर समझौते को पूरी तरह लागू न करे लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों में कुछ ढील जरूर देगा, क्योंकि सिंगापुर में दोनों मुल्कों के बीच जिन मुद्दों पर सहमति बनी उनमें दो बेहद अहम थे। इनमें उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार और ठिकाने खत्म करने थे, बदले में अमेरिका को उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की 70 साल पुरानी जंग खत्म करने का ऐलान करना था। लेकिन अमेरिका चाहता है कि पहले किम जोंग उन अपने वादे पूरे करें, जबकि उत्तर कोरिया जंग के खत्म होने पर मोहर लगवाना चाहता है। अगर वो खात्मे का अनाउंसमेंट करते हैं तो उनको वहां से ट्रुप्स कटाने पड़ेंगे, इसलिए वो सोच सोच के धीरे धीरे जो है कदम उठा रहे हैं। साफ है कि अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए किम जोंग उन बेहद शातिर और सदे अंदाज में अपनी चाल चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल गौर ने SC/ST एक्ट के बहाने इशारों में अपनी सरकार पर तंज कसा। बाबूलाल गौर ने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज के साथ न्याय नहीं होने पर वो बीजेपी से खफा हैं। अगर जल्द उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई तो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल गौर ने महाभारत का जिक्र किया, न्याय न मिलने की हालत में महाभारत के युद्ध का उदाहरण भी दिया। उन्हीं के वोटरों से हम जीतते हैं, सामान्य वर्ग के वोटर, वो हमारे विरोधी नहीं है, वो हमसे इसलिए नाराज है कि तुम न्याय नहीं कर रहे। जैसे भीष्म पितामह खामोश बैठे रहे और जुआ होता रहा, क्या हुआ, युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, वहां तो अच्छा नहीं। ऑनलाइन रिटेल कंपनी Amazon और समारा कैपिटल ने आदित्य बिरला समूह की रिटेल स्टोर चेन मोर को खरीद लिया है। जानकारी के मुताबिक Amazon, समारा कैपिटल और आदित्य बिरला समूह के बीच ये सौदा 4,200 करोड़ रुपए में हुआ है। समझौते के तहत मोर रिटेल चेन की 51% हिस्सेदारी समारा कैपिटल ने और 49% हिस्सेदारी Amazon ने खरीदी। ABRL यानी आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड के पूरे देश में मोर ब्रांड के 575 रिटेल स्टोर है। आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड पर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और माना जा रहा है कि इस सौदे के बाद यह कर्ज पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस सौदे को भारतीय रिटेल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की Amazon की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि Amazon इस सौदे के बाद फ्यूचर ग्रुप और स्पेंसर्स के रिटेल कारोबार में भी हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर सकता है। यूपी के फतेहपुर में एक पति अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। दावा है कि वो आदमी अपनी पत्नी की मेडिकल जांच करवाने के लिए कई दिनों से भटक रहा है, लेकिन उसकी पत्नी की मेडिकल जांच नहीं की गई। पीड़ित आदमी ने फतेहपुर और कौशाम्बी के जिला अस्पतालों के प्रबंधन पर उसे इन दोनों अस्पतालों के बीच भटकाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। कौशाम्बी हम लोग कल गए, अब कल वहाँ से वापस फिर आ गए, कोई डॉक्टर नहीं मिला, वहाँ से वापस आए यहाँ, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, हम लादे लादे फिर रहे मरीजों को। दावा है कि पिछले 4 दिनों तक भटकने के बाद जब पीड़ित की पत्नी की मेडिकल जांच नहीं हुई तो वो परेशान होकर कलेक्टर के पास पहुंचा। कलेक्टर ने कौशाम्बी अस्पताल को महिला की मेडिकल जांच करने के निर्देश दिए और उन्हें अपनी तरफ से एम्बुलेंस भी मुहैया करवाई गई। बताया गया कि पीड़ित की पत्नी और उसके परिवार के कुछ सदस्य जमीन को लेकर हुए दो पक्षों के बीच विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ईडी को एयरसेल मैक्सिस केस की जांच पूरी करने के लिए और मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच पूरी करने के लिए 3 महीने की और मोहलत दे दी। राजस्थान के अलवर में एक अस्पताल में बंद पड़े हॉस्टल को शुरू करने की मांग को लेकर नर्सिंग के छात्रों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा में एक महिला का ATM कार्ड बदलकर पैसे चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का बिल विधानसभा में पारित कर ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जिसके बाद अब इसे मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। यूपी के उन्नाव में नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि मीडिया में धमकी भरा फोन आने की जानकारी देने पर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के नाम से फिर अवैध वसूली के लिए धमकी दी गई। राजस्थान में वेतन में सुधार समेत दूसरी मांगों को लेकर जारी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों की मुश्किल और बढ़ गई। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में एक गवाह ने गवाही बदलने के लिए धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। जब इन्होंने मना किया कि हम मैं पैसे नहीं लूंगी, मुझे इंसाफ के लिए इंसाफ चाहिए, तो बोला इंसाफ चाहिए तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब से छुड़ाई गई एक महिला ने हैदराबाद पहुंचने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को धन्यवाद दिया। सुषमा मैडम शुक्रिया। पंजाब के मुक्तसर में कुछ लोगों पर रेप के एक आरोपी की आत्महत्या करने के बाद उसे पकड़ने आई हरियाणा पुलिस की एक टीम के ऊपर हमला करने का इल्जाम लगा।
गुजरात के गिर नेशनल पार्क में बीते 12 दिन में 11 शेरों की मौत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 12 शेरों में 3 की मौत आपसी लड़ाई की वजह से हुई, जबकि बाकी 8 शेरों की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई है। गिर नेशनल पार्क में 12 दिन के अंदर 11 शेरों की मौत से हड़कंप मच गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने सचिव स्तर के अधिकारी को इसकी जाँच सौंपी है। सभी का जो डेथ का जो रीजन है वो इन्फेक्शन है, और कुछ एनिमल्स में ये जो लंग का इन्फेक्शन है वो दूसरे ऑर्गन्स में भी फैला हुआ मिला हुआ है, किडनी और उसके अंदर, तो वो इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो गया है। तो अब ये इन्फेक्शन का कोज क्या है वो देखने का अभी बाकी है। हरियाणा के सोनीपत में शहीद नरेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके गाँव पहुँचने पर वहाँ जुटे लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जम्मू कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में शहीद हुए बीएसएफ के जवान नरेंद्र कुमार के पास के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। जिसका गुस्सा तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचने पर लोगों में साफ दिखा। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे लोगों ने शहीद नरेंद्र कुमार की शहादत पर गर्व जताया। इसके बाद पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद नरेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बेटे ने अपने पिता के साथ हुई बर्बरता के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। प्राउड, जय हिंद, जो ये सारी चीजें हैं, एवरीथिंग इज विद इन द हार्ट। पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है, बैठ के लिए एक स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर अथॉरिटीज की हेल्प। शहीद के परिवार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हें अगवा कर पूरे शरीर के साथ ही आंखों पर भी धारदार हथियार से वार किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में गहनों की एक दुकान में ग्राहक बनकर पहुंची कुछ महिलाओं पर करीब 40 लाख के गहनों की चोरी करने का आरोप लगा। दावा है कि उन महिलाओं ने बुरके का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दी। दावा है कि ये महिलाएं सोने के गहने खरीदने के बहाने वहां पहुंची थी। वीडियो में दिखा कि दुकानदार का ध्यान हटते ही बुरके में बैठी एक महिला ने गहनों का एक डिब्बा अपने बुरके के अंदर छिपा लिया। डब्बा था जिसमें लगभग 1.25 किलो सामान था, बुरके के अंदर रख लिया। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू कर दी। मुकदमा लिख लिया गया है, की जा रही है गिरफ्तारी, पता लगाने का प्रयास किया। आरोपी की महिलाएं दो समूह बनाकर पूरी तैयारी से वहां पहुंची थी और करीब 40 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों के ऐलान के बाद बौखलाए आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। बीती रात आतंकियों ने बड़गाम के एक इलाके में बने पंचायत घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना को मिलाकर बीते 5 दिन में आतंकी 10 पंचायत घरों को निशाना बना चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष अंकित बसोया की डिग्री पर घमासान थमता नहीं दिख रहा। एबीवीपी के अंकित बसोया पर शिकायत दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के लिए अब एनएसयूआई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और टीयू प्रशासन पर एबीवीपी और उनके आकाओं से मिलीभगत कर एनएसयूआई को अध्यक्ष पद मिलने से रोकने के लिए मामले को लटकाने का आरोप लगा दिया। यूनिवर्सिटी प्रशासन हाथ धो के पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार हाथ धो के पड़ी कि जैसे तैसे ये 2 महीने का जो टाइम फ्रेम है वो क्रॉस हो जाए। यही नहीं, एनएसयूआई ने अपने उम्मीदवार सनी चिल्लर को अध्यक्ष पद दिए जाने के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया। सनी चिल्लर शुड बी द प्रेसिडेंट फॉर ब्रूसो, यूनिवर्सिटी शुड डिक्लेयर आफ्टर मंडे वी विल बी ऑन रोड्स एंड वी विल गो फॉर एजुकेशन। इससे पहले एनएसयूआई ने अंकित बसोया पर तमिलनाडु की तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री के आधार पर दाखिला लेने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया था और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी।